वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बेसिक से बायोलॉजी को पढ़ेंगे, ठीक है। बायो बेसिक से, स्टार्टिंग से, चाहे वो सिक्स्थ क्लास का बच्चा हो, चाहे वो ट्वेल्थ क्लास का, जिसने फाउंडेशन तैयार नहीं किया है, जिसका आधार कमज़ोर है, उस हिसाब से हम बायो को जीरो से टॉप लेवल तक ले जाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग से जिन बच्चों को बायो थोड़ी दिक्कत होती है पढ़ने में, वो जीरो से उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बायो इंट्रोडक्शन करते हैं बायो का, ठीक है। तो बायोलॉजी, जिसके बारे में बताया, सबसे पहले फादर इसके एरिस्टोटल हैं, यानी कि इन्होंने स्टार्टिंग में बायो के बारे में थोड़ा रीड किया, इंफॉर्मेशन स्टोर करी, ठीक है। तो बायोलॉजी वास्तव में होती क्या है? बायो का मतलब होता है लिविंग, बायो का मतलब होता है लिविंग। और हम बायो के अंदर लिविंग में हम प्लांट को भी कंसिडर करते हैं, और उसके अलावा हम एनिमल्स को भी, ठीक है, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। उसके अलावा बायो के अंदर लिविंग में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी रखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हम इनको भी इसके अंदर ही कंसिडर करते हैं। वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो या तो हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते, ठीक है, या फिर जिनके स्ट्रक्चर बहुत छोटी होती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कंसिडर किए जाते हैं। तो क्या हुआ बायो का मतलब? बायो का मतलब लिविंग, ठीक है। तो लॉजी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लॉजी? लॉजी मीन्स टू स्टडी, यानी कि लिविंग की स्टडी करना, ठीक है। लिविंग के कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, और लिविंग किस चीज़ से बना हुआ है उसके कंपोनेंट्स की भी स्टडी करना, यानी कि बायोमोलिक्यूल से लेकर उसके कंप्लीट स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, कैरेक्टर्स, सभी की स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाते हैं। फादर कौन है? एरिस्टोटल, जिसको हिंदी में अरस्तु कहते हैं। क्या बोलते हैं? अरस्तु, ठीक है। बायोलॉजी को हम दो ब्रांच में बांटते हैं, फर्स्ट है जूलॉजी और सेकंड है बॉटनी, ठीक है। जूलॉजी मतलब, जू मतलब जानवर, ठीक है। जू लॉजी, लॉजी मतलब स्टडी, जानवरों की स्टडी, या स्टडी ऑफ एनिमल्स, देखिए स्टडी ऑफ एनिमल्स, जिसको किस में रखते हैं? जूलॉजी के अंदर, ठीक है। फादर कौन है इसके जूलॉजी के? एरिस्टोटल, सेम अरस्तु, इसके फादर। सेकंड वन बॉटनी, बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट के अंदर प्लांट की स्टडी करते हैं। और बॉटनी के फादर थियोफ्रेस्टस, कौन है? थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी। और बात करें कि जूलॉजी की इंफॉर्मेशन स्टोर करी थी, सबसे पहले एनिमल्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करी, तो उसको एक किताब के अंदर स्टोर किया गया था। काफ़ी लंबी इन्फॉर्मेशन थी, बहुत सारे जानवरों की इन्फॉर्मेशन, जिसको स्टोर किया था अरस्तु ने, यानी कि एरिस्टोटल ने स्टोर किया था, ठीक है। तो उन्होंने अपनी एक बुक दी, क्या दिया? एक बुक दी, बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया से देखो हिस्ट्री, हिस्टोरिया क्या कर रहा है? हिस्ट्री बता रहा है किसकी? एनिमेलियम, यानी कि एनिमल्स की, ठीक है, एनिमल्स की स्टडी, क्या है? हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, याद रहेगा, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, हिस्टोरिया एनिमेलियम एक बुक है, जो कि फादर ऑफ जूलॉजी यानी कि एरिस्टोटल या फादर ऑफ बायोलॉजी ने अपने पास इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी और एक बुक में रखा उसको सबसे पहले। तो एनिमल के बारे में उसने देखा कि तरह तरह के जानवर हैं, ठीक है, उन्हीं की इंफॉर्मेशन को स्टोर किया, किसके अंदर? एक बुक के अंदर, जिसका नाम हिस्टोरिया क्या है? एनिमेलियम। सेकंड वन फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। इसने किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठी की? प्लांट से रिलेटेड, किससे रिलेटेड? प्लांट से। तो उसको उसने एक बुक में इकट्ठा किया, जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम, सेम यार, हिस्टोरिया मीन्स हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स। कंप्लीट, क्या है बेसिक से? दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बायोलॉजी, बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं लिविंग थिंग्स,
लिविंग में हम कंसिडर करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स को। प्लांट एनिमल्स के अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, ठीक है। लॉजी का मतलब टू स्टडी, बायो मीन्स लिविंग की स्टडी। फादर कौन है? एरिस्टोटल। बायोलॉजी की दो ब्रांच हैं मेनली, ठीक है, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी, जूलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। बॉटनी क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट्स। फादर कौन है? एरिस्टोटल। फादर कौन है बॉटनी के? थियोफ्रेस्टस। बुक कौन सी है? हिस्टोरिया प्लांट एनिमेलियम। एंड बुक कौन सी है यहाँ पर? हिस्टोरिया प्लांटेरम। मीन्स क्या होता है कि हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स और इसके अंदर हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो बायोलॉजी, ठीक है। माइक्रो बायोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। माइक्रो मीन्स छोटा, ठीक है। और ये बहुत छोटा होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नेकेड आई से दिखाई ना देते हों, जिनमें हम शामिल करते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस। वायरस इज ए क्रिस्टलाइन नॉन लिविंग थिंग्स, पाउडरी फॉर्म में रहता है, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर रखा जाता है, लेकिन अच्छी तरह से सूटेबल फिट नहीं बैठता इसमें, लिविंग की बात करते हैं तो। क्यों? क्योंकि ये वैसे नॉन लिविंग पड़ा रहता है आउटर सरफेस पे, आउटसाइड, लेकिन जब ये किसी लिविंग के कॉन्टैक्ट में आता है, प्लस लिविंग के कॉन्टैक्ट में आता है, तो ये क्या हो जाते हैं? ये लिविंग हो जाते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कंसिडर किया है इसको, जहाँ भी हम स्टडी करते हैं ना लिविंग थिंग्स की, वहाँ पे एक बार इसको पढ़ते ज़रूर हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया फंजाई, बैक्टीरिया जीवाणु होता है, जीवाणु, ठीक है। और फंजाई होता है फफूंद। अच्छा, बहुत से बच्चे कीटाणु को बैक्टीरिया समझते हैं, कीटाणु बैक्टीरिया नहीं है। कीटाणु को जर्म कहते हैं, जर्म, ठीक है, जर्म, कीटाणु जो आपके टीवी वगैरह पे ऐड होता है ना, उसमें दिखाए जाते हैं जो फर्श पे, वो कीटाणु होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो ये आपके जर्म कहलाते हैं कीटाणु, ठीक है, बैक्टीरिया से अलग होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मीन्स स्मॉल, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा स्मॉल। वी कैन नॉट सी बाय नेकेड आईज, ठीक है, वी कैन सी बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, किसकी? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा, फादर माइक्रोबायोलॉजी के एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉक, सबसे पहले डिस्कवरी की थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कंसिडर किया है बैक्टीरिया, जीवाणु जो होता है, ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इसके द्वारा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, AVL शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। कैरोलस लीनियस, नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करें, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब ऑर्गेनिज्म को रख तो दिया बुक्स में, बना दी बुक्स, लेकिन अब उनको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल खेल था, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, कौन से नंबर पे है, क्या उसमें डिफरेंशिएशन है दूसरों से लेकर, क्या डिफरेंस क्रिएट करता है वो दूसरों से। कैरोलस लीनियस ने इस चीज़ को समझाने के लिए, इजी बनाने के लिए, उनको क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी एक तरह से समझ लो वर्गीकरण करना, क्या करना? वर्गीकरण करना, वर्गीकृत कर दिया इसने कि कौन से ऑर्गेनिज्म किस तरह के हैं, जैसे कि प्लांट और एनिमल्स का ग्रुप अलग अलग बना दिया, ठीक है। एनिमल्स में भी कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट, ठीक है, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, नहीं होती, पैर जिसमें सिक्स होते हैं उनके लेग्स सिक्स, ठीक है, किसी के टू होते हैं, ठीक, किसी की पूँछ होती है, किसी की रीढ़ की हड्डी होती है, किसी में नर्वस सिस्टम किस तरह का होता है, सबको अलग अलग क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। कैरोलस लीनियस जिसने क्या दिया था? वर्गीकरण दिया था ऑर्गेनिज्म का, डिफरेंशिएशन किया था, उनको अलग अलग बांट दिया, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, देखो, सबसे पहले होता है एटम, एटम अणु, इससे छोटा कुछ नहीं, इट इज़ द इंडिपेंडेंट पार्टिकल इन द नेचर, ठीक है। वी कैन नॉट डिवाइड इट, हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर, ठीक है, इस
जो एटम है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है नेचर के अंदर, इन्हीं से मिलकर किसका फॉर्मेशन होते हैं, बहुत सारे एटम्स मिलते हैं तब जाके किसका फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूल का। बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलते हैं, मैनी मॉलिक्यूल्स टुगेदर टू फॉर्म ए ऑर्गेनल्स, ठीक है, ऑर्गेनल या ऑर्गेनिल। तो इससे ये सेल का कोशिका अंग होता है, कोशिका का अंग होता है, यानी कि ये सेल का ऑर्गन समझ लो एक तरह से, इन्हीं से एक कंप्लीट सेल का निर्माण होता है, ठीक है। सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, बहुत सारी सेल्स मिलकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, इसका फॉर्मेशन करती है टिश्यू का, ठीक है, टिश्यू मिलकर के। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स जो है, ग्रुप ऑफ सेल्स ये सेम टाइप की होती हैं तभी जाके एक एक टाइप का टिश्यू बनता है, ठीक है। तो टिश्यू का ग्रुप किसका फॉर्मेशन करता है, ऑर्गन, ऑर्गन मतलब अंग, जैसे हमारे हाथ पांव, ठीक है, नाक। ऑर्गन जब आपस में मिल जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं लीवर, लीवर, स्टमक, स्टमक, उसके अलावा ईसोफेगस, फूड पाइप, ठीक है, ईसोफेगस, माउथ और फेरिंग्स, ठीक है, और ड्यूडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये बहुत सारे पार्ट मिलकर क्या किसका फॉर्मेशन करते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। ऐसे ही हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेते हैं, नाक होती है, ट्रेकिया होते हैं, ब्रोंकियोल्स होते हैं, ब्रोंकाई होते हैं, एल्वियोलस होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट होता है, वीन्स, वेसल्स, आर्टरीज, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी ऐसे ही बनता है, किडनी, किडनी का सर्कुलेटरी वो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, उसमें भी बहुत सारे ऑर्गन मिल करके क्या बनाते हैं, एक सिस्टम की तरह काम करते हैं, उसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे अगर मिल जाते हैं तो किसी भी जीव जंतु का निर्माण हो जाता है, कोई भी जानवर हो जाए, ठीक है, उसके ऑर्गन, ऑर्गन जो होते हैं वो आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। ऑर्गेनिज्म बहुत सारे मिल जाते हैं, ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का, तो ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, एक पॉपुलेशन, जनसंख्या, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन, बहुत सारे ह्यूमंस हैं ऑर्गेनिज्म, तो ये क्या काउंट किए जाते हैं, पॉपुलेशन की तरह काउंट किए जाते हैं, ठीक है, जनसंख्या के रूप में। और बहुत सारी पॉपुलेशन, बहुत सारी पॉपुलेशन मिल करके क्या बनाती हैं, कम्युनिटी, समुदाय, अलग अलग समुदाय होते हैं, अलग अलग समुदाय जब एक किसका फॉर्मेशन करते हैं, एक इकोसिस्टम, पारितंत्र का, ठीक है, इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, और इकोसिस्टम किसका निर्माण करते हैं, बायोम का, और बायोम बायोसफेयर का, बायोसफेयर मतलब एक तरह से एक गोलाकार संरचना, जैसे अर्थ, अर्थ के ऊपर सारी लिविंग थिंग्स, ठीक है, जहाँ पर जीव जंतु पैदा होते हैं, रहते हैं, कंप्लीट अर्थ को बायोसफेयर बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि वहाँ पर लिविंग थिंग्स रहती हैं, ठीक है, उससे छोटा होता है बायोम, बायोम एक बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पर लिविंग थिंग्स रहती हैं। इकोसिस्टम में क्या होता है, लिविंग थिंग्स का दूसरे लिविंग थिंग्स से, नॉन लिविंग थिंग्स से जुड़ करके एक सिस्टम का निर्माण होता है, इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम की परिभाषा किसने दी थी, अर्नेस्ट हैकल ने, अर्नेस्ट हैकल एक साइंटिस्ट था, ठीक है। कम्युनिटी, समुदाय अलग अलग होते हैं, मानव समुदाय की बात नहीं कर रहे हैं, वो अलग अलग समुदाय की बात कर रहे हैं, जीव जंतु के अलग अलग जो स्पीसीज हैं वो अलग अलग पॉपुलेशन में हैं और एक जगह रहती हैं, वो कम्युनिटी कहलाती है, ठीक है। दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक था माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मतलब स्मॉल, बायोलॉजी मतलब लिविंग थिंग्स, ठीक है, उनकी स्टडी करना, माइक्रो मतलब स्मॉल, माइक्रो मतलब स्मॉल, स्मॉल ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी। इसके फादर कौन है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इसने क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है, हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, ठीक है, उसको देखने के लिए नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, किसकी ज़रूरत पड़ेगी, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम किस किस को शामिल करते हैं, इंक्लूड कौन कौन है इसके अंदर, बैक्टीरिया, फंजाई,
और वायरस, वायरस मैंने बताया है नॉन लिविंग है, वैसे अगर लिविंग के अंदर जाता है तो ये भी लिविंग बन जाता है। क्या बन जाता है? ये लिविंग बन जाता है, ठीक है। वायरस एक क्रिस्टलाइन बॉडी है, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन, ठीक है। क्रिस्टलाइन मतलब पार्टिकल के रूप में पड़ा रहता है नॉन लिविंग किसी भी सरफेस पे। फंजाई और बैक्टीरिया, फफूंद और जीवाणु, फंगस काफ़ी बड़ी भी हो सकती है, फंगस के टाइप बहुत सारे होते हैं। एक फंगस हमारी स्किन पर रिंग वॉर्म कर देती है, एक फंगस ट्राइकोडर्मा, ठीक है। एक फंगस यूँ समझ लो मशरूम, मशरूम जो होता है हम खाते हैं, काफ़ी बड़ी फंगस है, ठीक है। और फंगस ब्रेड वगैरह पे लग जाती है। देखो कैरोलस लीनियस, जब एरिस्टोटल एंड थियोफ्रेस्टस ने अपनी अपनी बुक में सबको शामिल कर दिया सारे ऑर्गेनिज्म को, अच्छा उनमें उनकी कैटेगरी डिवाइड नहीं की गई थी, अच्छा डिवाइड नहीं की गई थी तो उनको हम बहुत सारी बुक में अगर हमने शामिल कर दिया तो कौन सी बुक में, कौन से पेज नंबर पे, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ये हमें पता नहीं था, ठीक है। इसके इसको सरल बनाने के लिए, इसको सरल बनाने के लिए कैरोलस लीनियस ने क्या किया था, वर्गीकरण किया था उनका, ठीक है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी किससे रिलेटेड है, वर्गीकरण से, ठीक है। उनको कैटेगरी वाइज ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ठीक है, रैंक वगैरह बोलते हैं जिसको। फिर है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, फॉर्मेशन किस तरह से होता है, सबसे पहले एटम्स हैं नेचर के अंदर, वही जुड़ करके कॉम्बिनेशन होके उनका जुड़ने के बाद, कंबाइन होने के बाद मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होने के बाद ऑर्गेनल्स बने थे सेल के, ठीक है। कंप्लीट जब स्टार्टिंग इवोल्यूशन हुआ था तो अर्थ के ऊपर कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन एक साथ नहीं हुआ था, उससे पहले उसके ऑर्गेनल्स बने थे, इनकम्प्लीट सेल बोलते हैं जिसको, ठीक है। इनकम्प्लीट सेल बनने के बाद एक कम्प्लीट सेल का फॉर्मेशन हुआ, बहुत सारी सेल्स और इवॉल्व हुई, तब जाके टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ, और टिश्यू के फॉर्मेशन के बाद ऑर्गन बने, ठीक है। कुछ ऑर्गन बनने लगे ऑर्गेनिज्म के अंदर, फिर कंप्लीट जब ऑर्गन मिल करके काम करने लगे बहुत सारे तो उसको ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। उस तरह से एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है, ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं जब, ठीक है। तो इनकम्प्लीट ऑर्गेनिज्म था स्टार्टिंग में इस धरती पे, इनकम्प्लीट से कम्प्लीट का फॉर्मेशन हुआ, इसी को इवोल्यूशन कहते हैं। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का ग्रुप क्या कहलाता है, पॉपुलेशन, और बहुत अलग अलग टाइप की पॉपुलेशन मिल करके कम्युनिटी का फॉर्मेशन करते हैं, समुदाय का, ठीक है। और समुदाय किसका फॉर्मेशन करते हैं, ग्रुप ऑफ समुदाय, समुदाय किसका फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि एक पारितंत्र के अंदर कई तरह की कम्युनिटी रहती है, ठीक है। चाहे वो जानवर है, मनुष्य है, ठीक है, छोटे जानवर हैं, बड़े हैं, पेड़ पौधे, सब एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, इकोसिस्टम से एक बायोम का, और बायोम से एक बायोस्फीयर का, ठीक है। आज इतना ही, और उसके बाद हमारा पार्ट सेकंड आएगा, ठीक है। आज के लिए पार्ट वन यहीं तक इंट्रोडक्शन, उसके बाद इंट्रोडक्शन में आगे और चलेंगे, ठीक है। वर्गीकरण को देखेंगे, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी में किस तरह से उनको वर्गीकृत किया था कैरोलस लीनियस ने, किस आधार पे बांटा था, ठीक है, कौन कौन से ग्रुप हैं, कौन कौन सी कैटेगरी है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।